सब बढ़िया। और बढ़िया। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आप लोग मैंने को भी हेल्थ इंग्लिश इश्यू सीखी नहीं है, है, बस मैंने अगर इंग्लिश सीखा है, सॉन्ग का सॉन्ग का आवाज आए आवाज तो आए तो थोड़ा थोड़ा आपको आपको सहन सहन करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि स्टूडियो स्टूडियो में में हूँ हूँ मैं मैं फिलहाल। फिलहाल। वो चला अच्छा जाएगा, यूट्यूब यूट्यूब नहीं नहीं है, है, कॉपीराइट कॉपीराइट नहीं नहीं आएगा। बहुत हार्ड है ये ब्लॉग, ये सुनने में देखो सबको पता है, जो भी मेरे फैंस हैं और जो भी मतलब जो भी मुझे फॉलो करते हैं तो उनको पता ही होगा कि मुझे एडिटिंग में इतना घंटा लगता है। मतलब मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं मीम्स ढूंढते 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 मैं मीम्स देखने लग जाता हूँ। पहली बार तो मैं वीडियो एडिट करने के लिए मीम्स ढूंढते ढूंढते मीम्स देखने लग जाता हूँ, और फिर इसी वजह से फिर मेरे को फिर घंटा लगता है अभी मेरे को एडिट करना है उसको एक YouTube। तो फिर सबसे पहले मैं सोचूंगा एडिट स्टार्ट कैसे करूं, फिर एडिट स्टार्ट होगा जैसे भी तैसे, फिर मैं वापस वो मेरे जो YouTube के लिए जो इंट्रो है वो एक ही है, पर तो फिर मैं सबसे पहले वही क्लिप डालूंगा एंड उसके बाद मैं पहले सोचूंगा कौन सा क्लिप डालू। 3 घंटे में ये सोचूंगा, उसके बाद मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। और फिर सवाल आता है सब क्या एडिटिंग के लिए डालूंगा, उसके बाद थंबनेल क्या है। मुझे पता है इसको यूट्यूब पे लेकर जो डांट पड़ी है मेरे सामने पड़ी है इसको डांट, और फिर यूट्यूब वीडियो के लिए इसको 3 दिन से बोलने के लगातार कि डाल एडिट कर डाल एडिट कर, और फिर आया इसको गुस्सा। वो लिटरली पूरे दिन मुझसे बात नहीं किया, कर ही रहा है पूरे दिन हेडफोन डाल के बैठा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और एट द एंड उसने 6 से 7 घंटे में पूरा वीडियो एडिट किया और दूसरे दिन डाला है। अब कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कैसे एडिट करते हो? देखो मैं तो जुगाड़ी इंसान हूँ, मैं ऐसा कोई मतलब अरे आपका आईफोन वाले आपके पास तो क्या आईफोन का कौन सा एडिटिंग है? आई मूवी आप आई मूवी तो कर लेते हो। मैं 4-5 हजार वाटर मार्क का झंझट में रहता है तो मैं रेशियो अलग से लेकर के क्रॉप कर देता हूँ। मैं जुगाड़ी इंसान हूँ, जुगाड़ होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। बट ये सही है, आप लोग मतलब हाउ हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ यू, आप दोनों कितने साल के हो? आई डोंट नो माय एज, आई डोंट नो माय एज। No, but like it's great to know कि you both are so small, so young at the moment, and फिर भी आपको इतना ज़्यादा knowledge है about digital stuff and इतना कुछ के बारे में. So how does Hello Anil, hello Ruchi, Krish and Vansh, both bro looking together so amazing. Thank you. Manish, ये किस जगह ना है? हाँ, Manish से जुगाड़ी इंसान. M Priya 610 hello. हेलो हेलो कैफ पटेल, ये चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बीच में गायब हो गया। बट क्रिश आप जैसे अभी स्टूडियो वगैरह आई सी रील्स आपके, मैं बोली ना मेरे पास एक क्वेश्चन है रील्स वगैरह का, आप और वंश साथ में जो इतने रील्स आपने साथ में भी रील्स बनाए हैं वो भी मैंने देखे, तो वही था मैं नोटिस कर रही थी कि आप ट्रेंड से ज्यादा फनी वीडियोस बनाते हो, फनी रील्स बनाते हो, मूवी क्लिप बनाते हो। मैं ट्रेंड ज्यादातर ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ, इट्स लाइक जो मैं करूंगा वो होना चाहिए, ना जो हर कोई कर रहा है। तो अगर कोई ये वाला ट्रेंड पे जा रहा है कि ये मुझे करना ही नहीं है, मैं कुछ अलग ही करूंगा, इसके रिलेट में भी नहीं होगा, भले कोई कुछ सोचे कि ये ट्रेंड में नहीं जा रहा है, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही डाल रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस को चाहिए। कहाँ रहते हैं पता नहीं मेरे को भाई, वो क्यों चला गया? ट्रेंड्स के साथ नहीं रहना चाहिए एंड लाइक ट्राइंग टू बी यूनिक ट्राइंग टू स्टे यूनिक दैट इज हाउ इट वर्क्स दैट इज आल्सो वेरी ट्रू बट व्हाट आर योर लाइक जो हेडफोन लेने गया था जो हेडफोन लेने गया था देखा अरे वो बाजू में कैसे खिड़की का आवाज आ रहा कुछ नहीं दे रहा था मुझे। अच्छा हेलो खुशी भारद्वाज, और मैंने सोचा आपको भी थोड़ा कंपनी दे दो, आप एयरपोर्ट लेके बैठे हो, ये सीधा साधा ब्लूटूथ लेके बैठे हो, ये चल
इनिशियली जब आपने शुरू किया होगा खुद शूट एंड अभी आप कैसे हो, वैसे कोई भाईचारा बन गया है, बेस्ट फ्रेंड्स जैसा? भाईचारा बहुत पहले से, बहुत पहले से, around 2015 I guess, 2015 इसमें हम लोग एक दूसरे के सामने सामने थे टक्कर वाले, पर हम लोग भाई भाई थे, तो ऐसा मतलब कुंभ के मेले में पिछड़े हुए भाई भाई जैसा रिलेशन हो सकता है, हो सकता है। गुड वीक ब्रदर, कैसे है आपका सच, कैसे चलता है, हाउ इज इट? फिर सोच के चलेंगे कि नहीं हमें इतना ही बोलना है, ये करना है, फिर हमको लिमिट्स में आ जाते हैं कि इससे आगे कुछ बोलना है, नहीं है मेरा वो कि भाई ओपन रहो, जो है वो है, अब बताओ बात करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, इट्स अप टू यू। फुल ऑन मजा आती रहती है सेट पर हम लोग जब भी होते हैं, पहले फिर बोल बता सकता है होटल वाला जो सीन हुआ था यार, जो हमारा जो एक्चुअली हमारा सीन था कि हम लोग एक्चुअली खेल रहे थे टेबल पे तीन लोग बैठे, मैं यहाँ पे, वंश मेरे इस तरफ और आनंदी मेरे सामने बैठी है, तो डायलॉग 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 वेंडर वेंडर चला चला, अब सर ने बोला कट, अब सर ने बोला कि हम लोग लेंगे किसका शॉट, उस टेबल का, पहले एक बार वंश करेगा, फिर एक बार आनंदी, फिर मैं, फिर वंश आनंदी, मैं वंश आनंदी, मैं, अब सर ने बोला करना, सर में इतना जोर से घुमाया कि वहां पे दूध का ग्लास था, मैगी थी, तो दूध का ग्लास गिर गया, जिसका शॉट था कैमरा जस्ट रेडी हुआ और मैंने मैगी जो पहले थी दूध वाली नहीं, और जो पहले थी वो अच्छी थी, मैगी दूध जो भी उन्होंने लगाया सब कुछ फ्रेश था, बट उसके पहले ही जस्ट नाश्ता किया था हमने, सो उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो करने के बाद कुछ जाए। हेलो हर्ष, हेलो एवरीवन, चलो शुरू करते हैं। हेलो हेलो शुरू करते हैं बिना पानी टाइम पास हुए
अरे फेवरेट कोई यूट्यूबर या इंस्टाग्राम जैसे आप? मेरा फेवरेट यूट्यूबर आई गेस से यही है, क्योंकि मेरा ये है वॉच बट रिलेटेड यूट्यूब को लेकर मैं जितना भी नॉलेज लेता हूँ मुझे यूट्यूब में नहीं पता है, तो मैं उसको पूछता हूँ क्योंकि वो यूट्यूब में बहुत पहले से है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि क्या एक ही साल तो हुआ है क्या बहुत पहले से? नहीं पर एक साल में भी ज्यादा उसने स्कोप कर लिया है एक साल के अंदर, तो मुझे भी एक साल हुआ नहीं है, तो क्या होने से पहले मैं उतना स्कोप कर लो इसके साथ रहेगी हो सकता है वंच के नॉन विद बी अ मेंटोर एंड टीचर टू क्रिश फॉर यूट्यूब ऑफ कोर्स म्यूजिक नहीं आ रही जब तक म्यूजिक नहीं आ रहा है तो मैं सबसे जब तूने हेडफोन मैंने उसको निकाल अरे तेरी फिर आवाज नहीं आएगा क्योंकि बाद में टच कर चल रहा है मैं फाइन तो मैं बट क्रिश बैटरी लो है डांस वगैरह करते हो आप जो डांस वगैरह करते हो इन जनरल आर यू लाइक अ डांसर इन योरसेल्फ डू यू लव डांसिंग एज सच अरे कैसा लव मुझे डांसिंग करने के मूड में है माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डांसिंग आई वाज वेरी आई वाज विनर ऑफ विवेक योर इज इट ओह माय गॉड आई डिड नॉट नो कांग्रेचुलेशंस दैट्स ग्रेट यार ओह गॉड आई हैड नॉट नो अबाउट इट थैंक यू यू नो After that, I started my career in acting. In acting, oh, that's great, that's great. How is it that आप पढ़ाई वगैरह कैसे handle कर पा रहे हो? आप दोनों actually. Second year college हूँ मैं अभी. Mm-hmm. And how is it doing? मतलब online lectures is better या आप online? मेरे लिए online कुछ नया नहीं है. मैं sixth से online पढ़ा हूँ. जब ये covid नहीं था तब से. Because मैं मेरी स्टडी है बड़ौदा में, मैं हूँ मुंबई में, तो मैं तब से ऑनलाइन पढ़ता हूँ, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाता हूँ बड़ौदा. अभी जो मेरा कॉलेज है फारूक यूनिवर्सिटी वो भी बड़ौदा में ही है, तो मेरी 17 से मेरी एग्जाम है, तो मैं फिर से जाने वाला हूँ. वो तो उसकी तो डिग्री की जरूरत नहीं है अभी आपको, उसमें आपने बीएससी कर दिया है, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए. दैट्स ट्रू. बट यार हेलो मेरे मतलब 4613 हेलो बीएफएफओ हेलो टेक पंडित, ये बहुत जल्दी जा रहे हैं आज रामा बाकी. हां ऋतिक पंडित हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो 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 मेरी पढ़ाई भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है क्योंकि मतलब मैंने जब से लीव शो लिया है तो तब से मतलब तब से ऑनलाइन ही हो गया है, क्योंकि मैं वैसे तो ऑफलाइन में भी अच्छा स्कोर करता था, मतलब 93 से लेकर 97% के बीच में ही है मेरा परसेंटेज. That's great, that's great. Hello. अब लेकिन ऑनलाइन ही बेटर होगा ना, दैट आप भी पढ़ाई वढ़ाई के साथ कोप अप कर सकते हो. गुड ऑनलाइन है तो बहुत अच्छा है, ताकि हम लोग शूट में भी बेटर इजीियर है. आपका शूट करने के लिए तो वही मतलब शूट के बीच में कैसे फोन अलाउड नहीं है ना स्कूल में ले जाना. तो अब मैं इतना सुबह जल्दी उठना नहीं हो पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन टाइम से तो आराम से उठो ये सब चल रहा था. तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम मैं बोलूंगा, जिसका नाम दर्श है. जैसे अटेंडेंस स्टार्ट होता था तो उसका कॉल आता था कि ज्वाइन हो जा जल्दी, तो मैं फटाफट ज्वाइन होता था. अब रोल नंबर बोला प्रेजेंट मैम जो भी है बोलो, तो तब मैम पूछते थे कि इतने टाइम से खाता, मैम बोला मैम मैं था.
आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बता दिया, बता दिया, अभी आप फॉलो करेंगे, अभी आप से नहीं, नहीं, अब तो ऑफलाइन हो गया है, अब फाइल एब्सेंट। अच्छा, हो गया, हो गया, तो क्या हुआ, वहाँ पे कॉलेज भी नहीं चल रहा है अभी। लॉकडाउन में जो सबको टाइम दिया ना, तो लॉकडाउन